महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है। बलराज कुंडू ने कहा कि उन्होंने तो सरकार को ईमानदार समझा था, लेकिन ऐसा नहीं है। बलराज कुंडू अब विधानसभा अध्यक्ष को अपना समर्थन वापसी पत्र सौंपेंगे। आखिरकार महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने वो कर दिया जिसके संकेत उन्होंने कई दिन पहले दिए थे। बलराज कुंडू ने पूर्व राज्य मंत्री मनीष ग्रोवर पर गंभीर आरोप लगाए थे। इसके बाद कुंडू ने मुख्यमंत्री को इसकी शिकायत भी दी थी, बकायदा एक महीने का अल्टीमेटम भी दिया था। लेकिन सदन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पूर्व मंत्री ग्रोवर को क्लीन चिट क्या दी, उसके बाद तो बलराज कुंडू का पारा हाई था और ऐलान कर दिया गया कि वो सरकार से समर्थन वापस लेते हैं। इसके जवाब में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साफ कर दिया कि किसी भी मामले की बिना तथ्यों के जांच नहीं हो सकती। मैंने बताया ना, जो मुझे उम्मीद थी मुख्यमंत्री जी से, आज मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार का जवाब दिया है, मुझे इस बात का बहुत आहत हुआ है, मुझे दुख है इस बात का। जो मेरे को मेरा विश्वास मुख्यमंत्री जी के प्रति जो विश्वास था, आज वो विश्वास टूट। मुख्यमंत्री ने क्लीन चिट दी थी जी? नहीं दी थी, आज दी है। उन्होंने सदन में क्लीन चिट देने की बात की है और उन्होंने किया, और बहुत सारे रास्ते हैं, कोर्ट में जाओ और जाओ, तो मैं आज इस बात के लिए क्लीन चिट। अगर कोई ऐसा मटेरियल हमारे पास होता है तो हम किसी भी प्रकार की जांच कराने में कोई संकोच नहीं करेंगे, लेकिन बिना किसी मटेरियल के यदि कोई भी अनाप शनाप आरोप लगते हैं तो कोई भी लगाए उसका कोई कारण नहीं है, अन्यथा एक रास्ता खुलता है बिना किसी मटेरियल के, बिना किसी सबूत के इस प्रकार का अपना दबाव बनाने के लिए काम करे वो लोकतंत्र में अच्छा नहीं है। और उनको भी बताया कि आपके पास कोई तथ्य हो तो लेकर के आइए। देखिए, जब मैंने बताया ना कि जब मेरे पास ऐसे तथ्य हैं, उन्होंने कहा कि पिछले चार साल में 200 रुपये से कम में सिरा गया, जबकि रिकॉर्ड ये कहता है कि पिछले चार साल में केवल एक साल में ऐसा हुआ, और वो एक मिल का नहीं हुआ, हरियाणा में जितनी मिलें हैं सबका हुआ। और मैंने तो यहाँ तक कहा है कि अगर इस प्रकार का विषय कहीं उत्तर प्रदेश की मिलों में, कहीं पंजाब की मिलों में भी आपको मिलता है तो वो लेकर के आइए, तब उसकी इंक्वायरी करा देंगे। बिना तथ्यों के किसी के साथ व्यक्तिगत रंजिश के कारण से कोई अगर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं तो उसको कम से कम उसके ऊपर राजनीति नहीं करनी चाहिए। और बिना तथ्यों के आधार पर कोई भी किसी प्रकार की जांच कराने का अर्थ क्या है? तथ्य चाहिए। सरकार से समर्थन वापसी के बाद निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने खबरें अभी तक से खास बातचीत में बड़ा दावा किया। बलराज कुंडू ने खबरें अभी तक पर घोषणा की कि अगर उनके आरोपों का दावा झूठा निकलता है तो वो विधायक पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार है। अगर वाकई में ही मुख्यमंत्री जी को ये लगता है कि इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ और सब क्लीन है तो जांच करवाने से क्यों घबराते हैं? दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा ना। और मैंने तो हाउस में खड़ा होकर ये बोला है, कल भी बोला था, आज भी बोला है, जो जो मैंने आरोप उनके भ्रष्टाचार के मैंने उजागर किए हैं, अगर वो एक भी झूठा मिल जाए आप जांच कराइए, मैं विधानसभा पद के सदस्य पद से इस्तीफा देने को तैयार हूं। विपक्ष की ओर से पूर्व मंत्री आफताब अहमद ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए वार किया, तो मौजूदा कैबिनेट मंत्री कौरपाल गुर्जर ने कुंडू के समर्थन वापसी पर विपक्ष के सवाल पर तुरंत ही पलटवार भी कर दिया। तो उन्होंने अपना ये भ्रष्टाचार में लिप्त व्यक्तियों को अपने आप में क्लीन चिट दिया, इस बात को दर्शाती है कि ये सरकार भ्रष्टाचार में पूरी तरह लिप्त है, उनको संरक्षण दे रही है। और इसी वजह से आज एक निर्दलीय विधायक ने जो है जो मुद्दे उठा रहा था, तथ्य दे रहा था, उसकी जांच कराए बिना उसे क्लीन चिट दे देना फ्लोर ऑफ द हाउस अपने आप में शर्मनाक भी है, और इसमें मिलीभगत पूरी तरह से इस सरकार के और मुख्यमंत्री तक भी इसमें शामिल। देखिए, अब किसी ने उनको रोका नहीं, तो हर बात के लिए जांच के लिए डिमांड करेंगे तो कैसे जांच कराएंगे? इतनी हर कोई भी बात विपक्ष तो उसको कहेगा इसकी जांच कराओ। जांच का कोई आधार नजर तो होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री ने एक बात स्पष्ट कही कि भाई उसी समय में जो रेट यहाँ था, अगर पंजाब में भी वही रेट था और उत्तर प्रदेश में वही रेट था तो फिर गड़बड़ कहाँ है? फिर तो गड़बड़ कहीं नहीं है ना। बलराज कुंडू ने पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर पर घोटाले के आरोप लगाए थे, लेकिन सदन के अंदर मनीष ग्रोवर को सीएम की तरफ से क्लीन चिट दिए जाने के बाद बलराज कुंडू नाराज हो गए। बलराज कुंडू का कहना है कि अगर उनके दावे गलत निकले तो वो विधानसभा सदस्य के पद से भी इस्तीफा दे सकते हैं।